हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे ब्लड रिलेशंस के टॉपिक से। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ट्रिक्स यूज करते हैं। और कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करते हैं? मेल के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए हम सर्किल बनाएंगे। सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर सिस्टर्स कजन्स, ठीक है, उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की स्पाउस वाइफ है और वाइफ के स्पाउस हस्बैंड है, तो स्पाउस के लिए हम डबल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। और पेरेंट चिल्ड्रन के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, यानी कि डिफरेंट जनरेशन के लिए हम एक वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि इस ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लुकिंग एट ए फोटोग्राफ ए पर्सन सेड। तो यानी कि एक आदमी किसी का फोटोग्राफ देख के ये बता रहा है कि आई हैव नो ब्रदर्स और सिस्टर्स बट दैट मैंस फादर। दैट मैंस फादर का मतलब यानी कि वो भी एक आदमी ही है, ठीक है। दैट मैंस फादर, उस आदमी के फादर फादर भी मेल है, ठीक है। दैट मैंस फादर, दैट मैंस फादर इज माई फादर्स सन। तो माय फादर्स सन यानी कि मेरे फादर के बेटे हैं, यानी कि ये जो है जो आदमी बात कर रहा है ना वो यही है, ठीक है। तो यानी कि इस आदमी के जो फादर हैं वो मेरे फादर के बेटे हैं, यानी कि मैं तो अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब मेरे फादर के बेटे तो मैं खुद हुआ, और उस आदमी के फादर यानी कि वो आदमी जो आदमी बात कर रहा है उसका बेटा है, ठीक है। तो फोटोग्राफ किसका है? फोटोग्राफ इस आदमी के बेटे का है, क्योंकि इसके फोटोग्राफ को वो देख रहा है। और बात कौन कर रहा है? बात ये कर रहा है आदमी, है ना, कि इसका फादर इज माई फादर्स ओनली सन। और ठीक है, वो एक्चुअली उसका भाई भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला है कि उसके कोई ना कोई भाई है ना कोई बहन है, इसीलिए वो खुद ही है, बहन की तो बात है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि वो अब खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो खुद का उसी को खुद का ही बेटा है, अपने बेटे की तस्वीर को देख के ही वो ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एट हुज फोटोग्राफ वॉज द पर्सन लुकिंग एट, यानी कि अपने खुद के बेटे के बारे में बात कर रहा है, His son। तो आंसर यहाँ पे ए हो गया। और इस तरीके से हमने ट्रिक को यूज किया, और जब ट्रिक को यूज किया तो हमसे गलती होने के चांसेस 0% हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।